पत्नी का भाई ही निकला पति का हत्यारा। उत्तर प्रदेश देवरिया जनपद में बीते दिन 18 अप्रैल को एक व्यक्ति की सिर कुचली लाश देवरिया सदर कोतवाली के चीनी मिल के प्रांगण में मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और जांच में जुट गई। देवरिया पुलिस ने मृतक के आधार कार्ड और मोबाइल के द्वारा शिनाख्त की। मृतक का नाम धनंजय पांड्या निवासी अम्बा थाना कुचाय को जिला गोपालगंज बिहार के रूप में हुई थी। देवरिया पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 48 घंटे में किया हत्या का खुलासा। हत्या करने वाला आरोपी को सदर कोतवाली के खोरा राम तिराहा से किया गया। हत्या आरोपी रतन पांड्या गौरी बाजार थाना के सिरजमहर हंगपुर जनपद देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि मृतक धनंजय पांड्या की पत्नी से आरोपी रतन पांड्या का अवैध संबंध कुछ दिनों से चल रहा था। रतन पांड्या मृतक की पत्नी का चचेरा भाई है। मृतक और रतन पांड्या में अवैध संबंध को लेकर कहा सुनी हुई और रतन ने मृतक के सर पर इट से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। आज पुलिस ने आरोपी को कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। परसों थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत भुजौली के पास चीनी मिल के जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी। बाद में उस डेड बॉडी की शिनाख्त धनंजय के रूप में हुई, जो व्यक्ति गोपालगंज का रहने वाला था और यहाँ स्थानीय इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने जब उसकी विवेचना शुरू की और गहराई से छानबीन की तो पता चला कि उसके घर आने वाला एक व्यक्ति रतन नाम का, जिसका उसकी पत्नी से अवैध संबंध था और उसके चलते ये दोनों उस स्थान पे जहाँ जंगल था आए, वहाँ शराब पी और वहाँ इनका झगड़ा हुआ। इसी में इस रतन नामक अभियुक्त ने उसका उससे बेल जो लगी हुई थी उससे उसका गला घोंट दिया और बाद में वहीं ईंट रखा था, ईंट से उसका सिर खोद दिया, जिससे उस आदमी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसकी विवेचना में ये सारे तथ्य संकलित किए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है तथा अलाकतल बरामद हो गया है। सर, मृतक क्या करता था? ये जो मृतक था, ये बताया जाता है कि ये बिहार में इस समय गोपालगंज में, सिवान में पोस्टेड है। गोपालगंज में पोस्टेड था, वहाँ सभी ट्रांसफ़र हुआ है थोड़े दिन पहले सिवान में, और PWD विभाग में कार्य करता था।